Hey guys, welcome to another video. और आज का मेरा वीडियो है मारुति की नई एक्सेसिस पर। मेरे पीछे मारुति की एक्सेसिस खड़ी है और अपने इस वीडियो में मैं इस कार के बारे में पूरी डिटेल आपको बताने जा रही हूँ। मारुति एक्सेसिस से प्राइस स्टार्ट होते हैं 11,29,000 रुपए से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल न्यू मारुति XL6 के डिजाइन में सबसे बड़ा चेंजेस है इसकी फ्रंट व्हील। इस कार की फ्रंट व्हील को पहले के मुकाबले ज्यादा क्लासी बनाने के लिए इसमें क्रोम गार्निश का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही जहां कंपनी पहले 15 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स देती थी, वहीं अब 16 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। रियर में टेल लाइट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। चेंजेस के बाद मारुति XL6 की लेंथ और विड्थ ऑल ओवर सेम रहती है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 50 mm तक इंक्रीज हो गई है। अब चलते हैं ऑल न्यू मारुति XL6 के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में मारुति ने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। डैशबोर्ड पहले की तरह हॉरिजॉन्टल स्लॉट है और एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। इसके साथ ही स्टेयरिंग व्हील जो है वो अब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक हो गया है। स्टेयरिंग व्हील के राइट में आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन दिया गया। इसके अलावा आर्म रेस्ट जो है वो मारुति अर्टिगा की तरह इसमें एडजस्टेबल दिया है। अगर मैं ऑल ओवर इंटीरियर की बात करूं तो थोड़ी सी प्रीमियम फिनिश के साथ ये पूरी तरह से देखने में मारुति अर्टिगा की तरह लगता है। मारुति XL6 का ऑल ओवर इंटीरियर काफी प्रीमियम है। स्टीयरिंग व्हील के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं। आप फोन से सिस्टम को कनेक्ट करके कॉल रिसीव और कॉल कट यहीं से कर सकते हैं। ऊपर की साइड सेंटर में आपको स्पेस दिया गया है। ग्लासेस रखने के लिए स्पेस बहुत ही यूजफुल है। अब चलते हैं ऑल न्यू मारुति XL6 के सेकेंड रो में। सेकेंड रो में सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं किया है। आपको पहले की तरह कैप्टन सीट्स मिलती हैं। मिड में यहाँ पर आप सेंटर में देखेंगे 12V सॉकेट दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। दोनों साइड आपको कप होल्डर मिल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑल न्यू मारुति XL6 मारुति अर्टिगा पर बेस्ड है, तो आप देखेंगे मारुति अर्टिगा की तरह ही इसकी सेकेंड रो में भी ऊपर की तरफ एसी वेंट्स दिए गए हैं। साइड में एक बटन है जिससे आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। XL6 की थर्ड रो में 2-bench सीट हैं और आप सेकेंड रो से बहुत ही इजीली थर्ड रो पर शिफ्ट हो सकते हैं। थर्ड रो में भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और अब बात करते हैं ऑल न्यू मारुति XL6 के सबसे बड़े बदलाव की। मारुति XL6 में अब की 15C सीरीज का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ इंजन दिया गया है। यह इंजन 103 PS की पावर और 136 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स, 6-speed टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और पेडल शिफ्टर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें यह इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा माइलेज देने में सक्षम होगा। ऑल न्यू मारुति XL6 के प्राइस स्टार्ट होते हैं 11,29,000 से, जो कि इसके बेस वेरिएंट जेटा के हैं। वहीं इस कार के टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस की प्राइस है 14.55 लाख। पुराने मॉडल की अगर मैं बात करूं तो पुराने मॉडल की प्राइस स्टार्ट होते थे 10,14,000 से और ये 12,02,000 रुपए तक इसके प्राइस रखे गए थे।